हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हैनास किंगडम। आज मैं लेके आई हूँ एक हेल्थी एंड टेस्टी रेसिपी, बिटर गार्ड पराठा। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले बनाने के लिए आटा को गूंदना है। आटा में थोड़ा सा हल्दी डाल के, नमक डाल के अच्छा से गूंद लीजिए। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल भी डाल के आटा को गूंद के रख देना। ये है आज हमारा हेल्थी रेसिपी करेला। करेला को थोड़ा छोटा छोटा काट के एक जार में डाल देना। डाल के उसका क्रश करना है भाई, इतनी चाहिए हम, ज़्यादा पेस्टी नहीं। अभी बनाने के लिए चलते हैं। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के, ज़्यादा ऑयल का ज़रूरत है, एक चम्मच काफ़ी है। उसमें बारीक कटा होगा प्याज एक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसी में हमारा पेस्ट किया हुआ करेला भी डाल देना। डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लो। एक चम्मच नमक भी डाल दो। अभी मसाला वगैरह डाल रहे हैं। धनिया पाउडर एक चम्मच, हल्दी हाफ चम्मच, हाफ चम्मच मिर्ची पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, सौंफ हाफ टी स्पून, जीरा हाफ टी स्पून, ये अमजूर पाउडर है ये भी हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, ये सब डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मेथी के लीफ है ये भी थोड़ा क्रश करके डाल दीजिए। उसी में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लो। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो सब मसाला वगैरह चिरते लगे कुड़का डाल रहे हैं। दो बॉईल किया होगा पोटैटो, उसको मैंने कद्दूकोश कर रखा है। पोटैटो है ना रेंडना, आप चाहिए तो मैश करके भी डाल सकते हैं। वो बॉईल चाहिए तो पोटैटो है ना, अद കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം। ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക। ഇനി ഡാൽ കേ हमारा स्वाद अनुसार नमक भी डाल देना। डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अभी उसी में आधा नींबू का जूस भी डाल दीजिए। डाल के मिक्स कर लो अच्छी तरह से सब जगह। वो नींबू का रस होना है। बस हमारा मसाला रेडी हो गया। अभी बनाने के लिए चलते हैं। आटा को थोड़ा सा निकाल दीजिए। हम लोग रोटी बना रहे हैं, जैसे इसको भी बेलना है। रोटी के जैसे बेल दीजिए पहले। उसी में हमारा मसाला है वो भी डाल देना। कितना मसाला चाहिए उतना बस डाल दीजिए। डाल के उसका फोल्ड करना है।
फोल्ड करके बचा हुआ आटा को निकाल दीजिए उसी से। निकाल के अभी इसको भी फैलना है। मसाला बाहर नहीं आना चाहिए, वो देख के उसका फैला दीजिए। अभी ये हो गया, अभी बनाने के लिए चलते हैं। तवा में थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, ऑयल डाल के उसी में हमारा पराठा डाल दीजिए। ऑयल के बदले में आप घी भी डाल सकते हैं। डाल के दोनों साइड अच्छी तरह से बनाना है। अच्छी तरह से वो बन गया, हमारा आज का रेसिपी रेडी हो गया, बिटर गार्ड पराठा। ये बहुत टेस्टी है, हेल्दी है, आप जरूर ट्राई कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट।